ऐसी लागी लगन 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 लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली बन के मीरा रानी दीवानी बहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज मैं एक भजन सिखाने जा रहा हूँ और इस भजन कोई आम आदमी का नहीं गाया हुआ, बहुत पॉपुलर बंदे ने इस भजन को गाया। आज मैं जो लेसन शेयर करने जा रहा हूँ उम्मीद है आपको पसंद आएगा और ये भजन किसी गाने की मोहताज नहीं, आपको सबने सुना होगा इस भजन को और आज मैं आपको ये भजन सिखाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, थोड़े नेड़े रखे मैं दोस्तों। ये भजन अनूप जनूटा जी का गाया हुआ भजन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये भजन राग किरवानी में गाया हुआ है, राग किरवानी। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि इस राग में स्वर कौन से लगते हैं, स्वर ग ध नी कोमल स्वर लगते हैं और बाकी सारे शुद्ध लगते हैं, बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। दोस्तों अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि राग ये भजन सीखने से पहले एक बार ये राग के सुर जान लें। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं पहले गाने से भजन सिखा रहा हूँ, जैसे कि इस राग के स्वर कुछ इस तरह हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। कुछ आशा भरी राग के टाइप का ये राग है किरवानी का। आप थोड़ा सा रंग दिखाता हूँ आपको, ये कुछ किरवानी का रंग था। दोस्तों अनूप जनूटा जी साहब ने इसमें काफी मतलब क्रिएटिविटी डाली है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझाने की कम से कम टाइम में कोशिश करूंगा। दोस्तों ये किरवानी जो राग है आसावरी थाट से निकला हुआ राग है, राग जौनपुरी और किरवानी आसावरी राग से निकले हुए राग है। तो आइए थोड़ा हम भजन की तरफ ध्यान देते हैं। वृंदर भाई इतना ध्यान देते दोस्तों, ये भजन गाने से पहले अनूप जनूटा जी साहब ने एक सरगम गाई है कुछ ऐसे है।
स्वर के बोल हैं सारे गा पा धा नी धा पा गरे गा पा गरे गा मा गरे गा सारे गा पा गरे सा गरे सा पानी ने पा पा धा पा गरे मा गरे सा नी धा। अब दोस्तों ये सरगम कुछ ऐसे है, इस भजन का सरगम है स्टार्टिंग का सरे गा पा धानी धापा गरे गा पा गरे गा मा गरे गा सरे गा पा गरे सा गरे सानी पानी रे मा पा धा पा गरे मा गा रे सा नी धा नी रे सा। दोस्तों अब ये समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फर्स्ट लाइन में सारे गा पा धा नी धा पा, जिसमें कि गा कोमल है, धा कोमल है और नी कोमल है, धा कोमल है। पहली लाइन ये बाजी की तरफ ध्यान देना भाई। दोस्तों अभी बटन की तरफ आप देखें, ये गा कोमल है, धा कोमल है, नी कोमल है और बाकी सारे शुद्ध सुर लगे। सारे गा पा धा नी धा पा सारे गा पा धा नी धा पा, इसके बाद है गरे गा पा गरे गा मा गरे गा। अब है गरे गा पा गरे गा मा गरे गा सरे गा पा धा नी धा पा गरे गा पा गरे गा मा गरे गा। अब इसके बाद सरे गा पा गरे सा गरे सा नी। अब ये जो बिंदी वाला है नी शुद्ध है। सरे गा पा गरे सा गरे सा नी पानी रे। अब जो पानी रे है ये भी बिंदी वाला है। पानी रे मा पा धा पा गरे मा गा गरे मा गा मा पा धा पा गरे मा गा रे सा नी धा नी रे सा। अब ये जो नी दोनों है शुद्ध, नी सा नी धा नी रे सा रे सा नी धा नी रे सा। तो दोस्तों ये फर्स्ट सरगम है इस भजन की। आइए दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से। सरे गा पा धा नी धा पा गरे गा पा गरे गा मा गरे गा सरे गा पा गरे सा गरे सा मेरे पापा धा पा गरे मा गरे सा नी धा नी रे सा। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट पैरा ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मन वो तो गली गली हरी गाने लगी महलों में बनी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मन। दोस्तों अब इस भजन की नोटेशन दे रहा हूँ आपको, सीखने में आसानी होगी। दोस्तों ये भजन राग किरवानी में है
और इसमें ताल है खेमटा, छह मात्रा की ताल है, मात्रा छे। नोटेशन ऐसी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, बीच में एक लकीर है, पहली मात्रा पे इसके सामने और खाली, ठीक है। ताल के बोल हैं धा धा तिन धा धा तिन। सिर्फ फर्स्ट पैरा ही आपको सिखाऊंगा स्थाई। सा नी सा गा री गा, सा नी सा गा री गा, सा नी सा गा री गा, सा नी सा गा री गा। ये बोल रहा है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ये 2 बार रिपीट होगा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो पाधा वो तो पाधा, वो तो पे आएगा पाधा, वो तो गली गली हरी पाधा, नी सा रे सा पा पाधा। पाधा नी सा नी धा पा पा, पाधा नी सा नी धा पा मा, पाधा नी सा नी धा पा मा। ये सा बिंदी वाला, पाधा नी सा नी धा पा मा, वो तो गली गली हरी गो, पाधा नी सा नी धा पा मा, रे गा मा धा पा मा गा रे सा गा नी नी। रेगा माधा पामा गरे सा। अब दोस्तों दोबारा रिपीट करो, सा नी सा गा री गा, यहाँ गा कोमल है, सा नी सा गा री गा, सा नी सा गा री गा, पाधा नी सा नी धा पा, रेगा माधा पामा गरे सा। ये सुर बोल रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गाने लगी। इसी सरगम को दोबारा रिपीट कर देना, महलों में बनी बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, सानी सागारी का सानी सागारी का, महलों में बनी बनके जोगन चली, पाधा निशा निधा पा महलों में बनी बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन सानी सागारे गा सानी पावे सासा। अब लास्ट में जो एक लाइन है यहाँ पे लगेगा, पानी सारे सा सा, पा के नीचे बिंदी, नी पे भी नीचे बंदी, ऐसी लागी लगन पानी। लास्ट की जो लाइन थी कुछ ऐसे है, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा होई मगन, सानी पारे सानी पारे सासा। ये है इसकी सरगम है सानी, ये सा है, ये पानी, ये सा, सानी पारे सासा, पा के नीचे बिंदी, सानी पारे सासा। अब मैं आपको सारा रिपीट करके बता रहा हूँ, सानी सा गा रे गा, सानी सा गा रे गा, पा धा नी सा नी धा पा मा, रे गा मा धा पा मा गा रे सा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गाने लगी, महलों में बनी बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन सानी सा गा रे गा, सानी पारे सासा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब दोस्तों इसके बाद अंतरा है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी।
दोस्तों इस भजन में सरगम से सरगम के बाद अनूप जलूटा जी ने एक शेर है गाया है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है जो रहे गलत बातों में बेकार वो मुख है जो रहे गलत बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का इस जग में प्रेम में बलिदान जीवन दिया है। दोस्तों मेरे जी इस वीडियो को आपने सराहना है और उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों मैं बात शेयर जरूर करना चाहूँगा कि मैं अपनी कोई भी वीडियो डालने से पहले कोई प्रेपरेशन नहीं करता, मतलब मैं सीधा डायरेक्ट डालता हूँ और मुझे पता है कमियाँ बहुत होती हैं बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि वीडियो बनाए और उसको गलतियों को सुधारें। सो लाइव ही चलता है मेरा। उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा नजराना पसंद आया होगा। और नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।